भाइयों, मोटो की तरफ से जबरदस्त स्मार्टफोन मोटो जी 32 आज ऑफिशियली इंडिया पे यानी फ्लिपकार्ट में लॉन्च कर दिया गया है। फोन का प्राइस रिवील हो चुका है। फोन का प्राइस निकल गया है दोस्तों 11,999 यानी 12,000। यहाँ पर सिंगल वेरियंट में फोन को लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर फीचर्स काफी अच्छा है। बट आज इस वीडियो में जानेंगे इस प्राइस में इस फोन को एक्चुअली में परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों मोटो जी 32 का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा लगा मुझे। स्पेशली कैमरा पैनल को काफी अच्छे से मैनेज किया है, ट्रिपल रियर कैमरा है। और यहाँ पर दोस्तों बैक साइड में आपको अलग अलग कलर मिलेगा, प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल मिलेगा और यहाँ पर पंचोल यानी सेंटर पंचोल आपको देखने को मिल जाता है। डिजाइन के मामले में फोन थोड़ा सा अलग है मोटो का फोन से। साथ में दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स का, तो देखिए ये फोन आपको सिंगल वेरिएंट में मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर फोन में मिलने वाला है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर 6.5 इंच का एक डिस्प्ले दिया गया है जो कि एक IPS LCD पैनल है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और सेंटर पंच होल दिया गया है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहां पर डिस्प्ले काफी अच्छा है। बट मोटो G31 में एमोलेड था, बट यहां पर एमोलेड नहीं है, IPS LCD दिया गया है। तो ये एक चेंज आपको मेजर यहां पर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों कैमरा सेंसर के बारे में बात करें तो बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा यूज हुआ है, जहां पर दोस्तों मेन सेंसर है 50 यानी 50 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ यहां पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो यूज हुआ है, जो आपको मोटो G31 में भी मिला था। वही सेम यहाँ पर कैमरा सेंसर यूज किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बैटरी की बात कर लेते हैं तो 5000 mAh का गर्मा गर्म यहाँ पर बैटरी दिया गया है और इसी के साथ दोस्तों गर्मा गर्म फर्स्ट चार्जिंग भी है। 33 वाट का आपको फर्स्ट चार्जिंग मिल जाता है जो कि इस मोबाइल को मोटो G31 से थोड़ा सा अलग करता है, क्योंकि यह वाला फीचर्स नया एड किया गया है टाइप सी पोर्ट के साथ। तो सुपर फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाता है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इस मोबाइल में जो चिपसेट इस बार मिलता है ना, वो है भाई क्वालकॉम की तरफ से, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 जो कि 6 नैनोमीटर में बना हुआ है। और ये चिपसेट एक 5G नहीं 4G चिपसेट है। और इसी के साथ दोस्तों इस फोन में आपको ड्यूल स्पीकर मिलता है, दो दो स्पीकर फोन में यूज किया गया है और साथ में यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट आपको मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिलता है दोस्तों और साथ में आपको स्टॉक एंड्रॉइड या फिर क्लीन UI आप कह सकते हैं जो कि मोटो की तरफ से दिया जाता है वो आपको यहां पर मिल जाएगा, यानी नो एड्स नो ब्लॉटवेयर। और साथ ही साथ यहां पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो ये है ओवरऑल फीचर्स मोटो G32 का। बट यहां पर 4GB 64GB का प्राइस जो मैंने आपको बताया 11,999 वो एक्चुअली बैंक का कार्ड लगा के आपको दिया जा रहा है। एक्चुअली नॉर्मल जो प्राइस है COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का वो है भाई 12,999 यानी 13,000। अब 13,000 में क्या एक्चुअली ये मोबाइल परचेस करना चाहिए, तो मैं आपको सीधा सीधा कहूंगा अगर आपको मोटो का फोन खरीदना है, क्लीन UI चाहिए, तो मोटो G31 मुझे इससे भी बेटर लगा। मोटो G31 में एमोलेड डिस्प्ले है, डिजाइन ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, फीचर्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। तो मेरे ख्याल से मोटो G31 अभी भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और यहां पर अगर बात करते हैं 13,000 में मोटो G32 का, तो गाइस 13,000 में और भी बेहतर चिपसेट के साथ हमें फोन मिल जाता है, जैसे कि मीडियाटेक हेलियो G96 और भी काफी कुछ अदर फीचर्स ऑफर में। तो हमें हाई एमोलेड डिस्प्ले वाला भी फोन मिल जाता है G96 के साथ। तो मेरे ख्याल से यहां पर ये फोन थोड़ा सा कम जैसा लगा। बाकी आपको क्या लगा मोटो G32 आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा हॉनेस्ट रिव्यू आपको इसी चैनल में सबसे पहले रेगुलर मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।